Hey guys, my name is Sultan. My name is Malaika. और आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। भाई फाइनली फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का लेवल मेरा जो है वो प्रो हो चुका है। और जब आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ये जंकू भैया ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग की है और इसमें जो है वो इनवाइट किया गया है प्रॉपर जंकू को कि वो इस बीटीएस के सॉरी इस फीफा जो है वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग करें। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको जो है वो इनवाइट किया गया है फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग के लिए और बहुत बड़ा जो है ना मेगा जो है वो इस दफा ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है वो प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है कतर ने। और मैं ये समझता हूँ, अच्छा बीटीएस के 7 मेंबर्स हैं, 7 में से सिर्फ परफॉर्मेंस जंकू की है क्योंकि इनविटेशन जंकू का होगा, बाकी किसी को शायद इनविटेशन नहीं दी होगी। और टाइम पीरियड जो है ना परफॉर्मेंस का वो भी लिमिटेड है क्योंकि मैच स्टार्ट होना है तो वो प्रॉपर एक जो है वो कॉन्सर्ट्स नहीं है, एक प्रॉपर बस ओपनिंग सेरेमनी है जिसकी वजह से सिर्फ जंकू को उन्होंने हायर किया है, जबकि बीटीएस की पूरी टीम को भी हायर कर सकती थी कतर, लेकिन जो है वो जंकू को हायर किया और जंकू ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। नोरा फतेही को भी जो है वो काफी जो है वो अप्रिशिएट किया गया है, इनवाइट किया था तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी जो है वो रिएक्शन हम देंगे आगे। तो ये ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप की तो ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे हम आपको, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, उसके बाद फिर मजीद बाद में बात करते हैं। चले जी 1 2 3 Oh,
팬분들 진짜 지셨으면 좋겠고, 그리고 뭐 저뿐만이 아니라 저 멤버 그리고 모든 국민 여러분, 우리나라 사람들이 다 응원하고 있으니까 힘내셔서 꼭 원하는 결과 얻었으면 좋겠고, 저도 이제 내일 무대를 앞두고 있는데 무대 하면서도 선수분들 생각하면서 저도 저 또한 열심히 무대하도록 하겠습니다. 진짜 다치지 마시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다. 받았습니다. 내일 무대를 앞두고 있는데 Let's see you at the opening. ओ भाई क्या परफॉर्मेंस थी जंकू की, तो बहुत आउट क्लास नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी। और मैं ये समझता हूँ, पहले मैंने ये कहा था कि बाकी BTS के मेंबर मुझे इसमें नजर नहीं आए, लेकिन बैकग्राउंड पे जो हो सकता हो बैकग्राउंड पे पॉसिबिलिटी है कि वो मौजूद हो, क्योंकि अकेले तो हाँ जंकू का मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो अकेले परफॉर्म करे, ग्रुप कहीं अकेला नहीं जाता। और एक बात मैं आपको और कहूंगा कि जितना फीफा ने इस वर्ल्ड कप के ऊपर बजट फीफा का लगा है, जितना फीफा आप स्टार्ट करें, जब से फीफा स्टार्ट हुआ है जब से लेकर 2021 तक का फीफा का जितना भी बजट है वो सब उठा के आप एक तरफ रख दें, और 2022 का जो फीफा का जो बजट है वो आप एक तरफ रख दें, बराबर है। काफ़ी हाईली पेड जो है वो इन्होंने किया है, और सबसे मजे की बात यह है कि ये फीफा रोनाल्डो और मेसी का लास्ट फीफा है, सुपरस्टार्स का लास्ट फीफा है, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा क्राउड है, पागल है, इमोशनल है, इमोशनल है, क्योंकि दो लेजेंड्स का लास्ट जो है वो फीफा है, दोनों उसके बाद शायद रेजिग्नेशन की तरफ जाएंगे। और हमारे सुपरस्टार जंकू भैया ने परफॉर्मेंस दी है, नोरा फतेही ने परफॉर्मेंस दी है, और काफी सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है वो इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी। आज मेगा एपिसोड आप लोगों के लिए हमें लेकर आनी थी, लेकिन मेगा एपिसोड आज आप लोगों के लिए ऑन एयर नहीं हो चुकी, शूट भी नहीं हुई है और ऑन एयर भी आप लोगों के लिए नहीं हो सकी, तो ये आप लोगों के लिए ऑन एयर होगी। मेरे ख्याल से बामुश्किल आज पूरे दिन में इसके लिंक्स आए, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फीफा की ओपनिंग आज हुई है तो लिंक बहुत ज्यादा आए, रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से BTS के फैंस ने इंस्टा पे मैसेज कर दिया मेगा रोक के आप काइंडली इस पे जो है वो हमें रिएक्शन दें, हमें रिएक्शन चाहिए। तो जी हमने जो है वो मेगा एपिसोड आप लोगों के कहने पे होल्ड कर दी है, ऐसा नहीं है आपको मजीद एक दो दिन में मेगा एपिसोड आपको मिल जाएगी। और बॉलीवुड फैंस आप लोग भी नाराज ना हो, आप लोगों को भी बॉलीवुड पे मजीद काम एक दो दिन में मिल जाएगा देखने को, लेकिन ये ऑन ट्रेंडिंग था, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी, इस पे हमने जो है वो उस पर रिएक्शन दिया, और पर्सनली बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे, और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी परफॉर्मेंस जंकू की। अरे भाई बहुत एक्सपेंस किया है कतर ने, दिल खुश कर दिया कतर ने दिल खुश कर दिया, इतना एक्सपेंस किया है, और क्या रूल्स रेगुलेशन के साथ कतर ने जो है वो वेलकम किया है, इतने रूल्स रेगुलेशन के दिल खुश हो गया, और बहुत जबरदस्त। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कॉमेंट लाजमी करके बताइएगा कि आपको जो लोग जहाँ जहाँ से भी प्यार कर रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, श्रीलंका, इंडिया, US, कनाडा, मलेशिया, हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे और सब्सक्राइब करवाते रहे, अच्छा लगता है जी जब हमारी YouTube फैमिली रोज सुबह उठ के हम देखते हैं तो ब्रॉड हो रही होती है, भले आहिस्ता हो रही हूँ लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कोई आहिस्ता नहीं हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पीड से माशाल्लाह, सुबह खोल के देखो अपना चैनल, ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, इसी तरीके से प्यार देते जाइए ताकि हम आप लोगों के लिए मजे मजे की वीडियोज लेकर आते रहें। तो फिलहाल जी चलते हैं, दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।